friends, welcome to the second lecture of the lecture series organized by Sehmat and India International Center on the Indian Modern and Nehru. बड़े छोटे सी जिंदगी में बड़ी बार सपने आते हैं to have arguments with Jawaharlal Nehru. Arguments and talks तो बड़ा मजा आता है. And I think that's a privilege. वो कोई ना नहीं कर सकता. तो जो मैंने सोचा था आज बात करने का कि इस जिंदगी में थोड़ा थोड़ा कई बार मिलने का मौका मिला जवाहरलाल से. एक चीज के लिए या दूसरे के लिए कुछ सीरियस नहीं था. हमने वी डिडंट डू ए स्टडी टुगेदर एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट बट इनफॉर्मल. तो मैंने एक चीज शुरू में उसके लिए लिखा कि उस समय की जबकि मैं बात कर रहा हूँ इट्स रिमेम्बरिंग नेहरू एंड रिमेम्बरिंग लॉट्स ऑफ पीपल. और कभी कभी ये भी कि क्या बात है उस जमाने में इतने ज़्यादा उम्दा लोग क्यों होते थे. मैंने एक वर्ड कॉइन किया था प्रभात तो बोलेगा ये वर्ड है कि नहीं. वर्ड था उम्दगी. मेजर ऑफ उम्दगी मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो काफ़ी देखने को मिलती थी. बहुत उम्दा लोग मिलते हैं. जवाहरलाल वॉज सर्टनली वन. पर इस तरह का उम्दा लाद इंसान नहीं था कि कोई रफियन भी कहेंगे उसको. था बड़ा मज़ेदार है मैं बताऊँगा. तो मैं आता हूँ शुरू से कुछ कुछ मिलने से. मैं लाहौर में स्टूडेंट्स कांग्रेस में एक कैंप किया हुआ था गांधी आश्रम में लाहौर रावी के किनारे. जवाहरलाल वॉज जस्ट रिलीज फ्रॉम जेल. वो डू और डाई वाली जो जेल थी ना वो वाली. Just released from jail and he came to Lahore and he was coming to the railway station. तो हम तो कहेंगे हम तो जाके उसको रिसीव करेंगे. तो गए रेलवे स्टेशन. All that happened was कि मेरा कुर्ता फट गया. सब कुछ कुछ खास नज़दीक नहीं पहुँच सका. But it was a fantastic reception. तो उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी मीटिंग हुई लाहौर. और एक पोडियम बना दिया गया था और नेहरू तो ऊपर चढ़ गए. अब वो कोशिश कर रहे थे लोगों को भाई उसको आने दो उनको आने दो उनको आने दो. कौन आने देता है कौन सुनता है उस भीड़ में. तो एक साइड में वो कौन थे फ्रंटियर गांधी के साथ थे होते थे खान साहब होते थे ना. खान साहब खड़े थे वहाँ. मैं भी पहचानता था उनको. तो कोशिश कर रहे थे खान साहब आ जाइए ना आप आ जाइए. अरे आने दो उनको आने दो. कौन ही आने नहीं दे रहा रास्ता नहीं देगा कुछ नहीं आ नहीं सकते. तो फिर थोड़ी देर के बाद देखा मैंने कहा गायब हो गया नेहरू. वो छोटा डंडा लेके होता ना क्या कहते थे उसे बैटन. वो बैटन लेके वो बैटन लेके घुस गया भीड़ में. और करते 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 आखिर में पहुंच के खान साहब को पकड़ के ले आया. मैंने कहा देख यार बना दिया. ये तो बड़ा मजे के उसने दिखाया. कोई लोकल ने रोका नहीं. क्या बड़ी बात नहीं है कहने की ना. बड़ा इम्प्रेसिव लगा कि कैसे कर लिया ये उसने. खैर हमने उसको इनवाइट किया जवाहरलाल को टू कम टू आर गांधी आश्रम वेयर वी वर डूइंग आर हमारा विचार चल रहे थे विचार गोष्ठी कहते हैं जिसे. और तो आए वो
और हमारा सेक्रेटरी था उसने हम एक टेंट में हम बैठे थे 20-30 लोग, बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती थी, तो उसने उनको बुलाया और दे ऑब्वियसली ही हैज टू रीड ए वेलकम स्पीच। तो उसने जेब से निकाला बड़ा लंबा पुलिंदा और करके या नेहरू बैठे हुए और यहाँ खड़े होके ऐसे दंड आए हिंदुस्तान के मायादार सबूत यहाँ पहुंचा, फिर चुप हो गया बिकॉज ही सॉ जवाहरलाल वाज राइजिंग फ्रॉम हिज सीट। चुप करो, मैं ऐसी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूं। आई थिंक दिस इज वंडरफुल, यू वुड लाइक टू हियर सच लैंग्वेज फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड पीपल जो बकवास का बकवास कहते हैं। बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूं, क्या क्या बोल रहे हो? तो सिपाहियाना जमाने है कि बैठ के बात करे, आजादी की लड़ाई लड़नी है, इधर बैठ जा मेरे साथ, फिर बैठे बातें शुरू कर देना। अच्छा था ना, आजकल बहुत कम होता है। तो एक और इंसिडेंट था जिसका थोड़ा असर पड़ा मुझे, उन्होंने एक लेक्चर देना था शाहदरा में रात को, काफी दूर है शाहदरा, तो हम लाहौर से आए थे और किसी ने घर रहने को दे दिया था हमको इंडिया गेट के पास थोड़े दिनों के लिए। मेरे पिताजी ये बात है वो बाहर गए हुए थे, घर नहीं थे, पर तो मैं शाहदरा था तो पंडित जी बोल रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा सुनने के लिए। सो आई वेंट देयर टू समहाउ गेट टू शाहदरा, बसें कैसी चलती हैं, पहुंच गया वहाँ एंड इट वॉज एज कन्फ्यूज एज यू कैन थिंक अबाउट। वहाँ भीड़ में कितने बजे लेक्चर है, कितना होगा, कब होगा, डजंट मैटर, जवाहरलाल वहाँ है। उसके बाद में ख़त्म हुआ तो मेरे को फिक्र शुरू हुई कि शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया और दिल्ली में तो मारकाट चल रही थी उन दिनों, राइट्स गोइंग ऑन, और बहुत फिक्र थी। और मेरे को फिक्र ज़्यादा नहीं कि मेरी माँ को बहुत फिक्र होगी घर में कि रात हो गई है, बेटा घर नहीं आया और जाएं कैसे, कोई बसें नहीं जा रही थी, मिल नहीं रही थी, कुछ नहीं कर सकते। तो जवाहरलाल ने तो अपनी स्पीच ख़त्म की थोड़ी देर के बाद और मेरे को गुस्सा चढ़ा, इसने परवाह नहीं की, चुप करके चला गया, हम कैसे जाएंगे यार। तो वो चला गया, किसी तरह करके 2-3 घंटे बाद मैं पहुंचा वहाँ, तो मैं 1:30 बजे घर पहुंचा एंड माय मदर वाज रियली, उनको बहुत दुख हो रहा था, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मेरा छोटा भाई है, उसको आज तक हम नहीं बुलाते आजकल, पर उसका असली उस वक्त बुलाते थे, आज मैं वही इस्तेमाल कर रहा था, ओमी, ओम। सो ओमी से कहा गया, अरे यार तू बैठा हुआ ही यहाँ पे, भाई को जाके ढूंढ, कैसे ढूंढ के ला, पता करके ला, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। तो बेचारा उठा, नो ओमी वॉज प्रॉब्लम 14 ईयर्स ओल्ड, छोटा था अभी तक जरा, तो उसने सोचा कुछ। अच्छा, बाहर निकलते निकलते उसने जेब में हाथ डाला, ढूंढ के एक चमन्नी मिली, तो वो चमन्नी लेके वो इंडिया गेट के पास गया, वहाँ पे एक टेलीफोन था पोस्ट ऑफिस का, कोई बड़ा टेलीफोन, लाल टेलीफोन होते थे ना, तो उसने फैसला किया, अरे पता करना है कि बस किस वक्त प्रोग्राम ख़त्म हुआ और कब आएंगे, किस से कर सकते हैं सिवाय जवाहरलाल के, और कौन बता सकता है। आई मीन इमेजिन, यू सी
I think this was a fantastic thing. If he were older, he wouldn't dare do that. उसने रात के डेढ़ बजे दो बजे टेलीफोन मारा जवाहरलाल के घर और दूसरी तरफ से हेलो बोला गया, कहते ये पंडित जी का घर है, अरे हाँ भाई हाँ मैं जवाहरलाल बोल रहा हूँ, नहीं सडनली के हो गया। फिर उसने बताया कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसे बुरा लग रहा है, उसकी माँ को लग रहा है, उसको लग रहा है कि उसके भाई नहीं पहुँचे, उनको पता ही नहीं बस कब आएगी, आपने कब खत्म किया था कब आएगी। कहते हैं घबरा नहीं बेटा, घबरा नहीं, आधे घंटे एक घंटे में पहुँच जाएगी, आजकल तो बड़ा बुरा हाल है ना बसों का, तू आराम कर वहाँ कहाँ रहता है। उसने कहा कि मैं वहाँ खड़ा रोड पे हूँ, इंडिया इंडिया गेट से बहुत दूर नहीं था। कहते बहुत दूर तो नहीं है, तेरे मालूम है ना मेरा घर कहाँ है। कहा तो ऐसे आधा पौना घंटा ठहर, उसके बाद नहीं आए तो मेरे पास आ जा, मैं जब तुम मेरे पास आएगा तो मैं किसी को पास साथ भेजूंगा पता करने के लिए। और वेल आई केम बिफोर दैट, बट ओमी वाज सो थ्रिल्ड ही टॉक टू जवाहरलाल एंड जवाहरलाल एक्चुअली टॉक टू हिम। और उसने कहा कि घबरा मत, एंड आई थिंक a very important lesson. I think Omi wouldn't have taken this step if he was 4 years older. वो responsible हो जाता कि रात के वक्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं डिस्टर्ब करते, इतने वक्त टेलीफोन नहीं करते, and he that he took such a direct action to get the information which was needed and the only way it could be obtained, उसकी चवन्नी ने बड़ा उनका काम किया। I still admire that he did it, and I think Omi stands out as a person who was not yet spoiled by education. जिसको ये पता था कि असली क्या चीज़ होती है और क्या किस तरह ध्यान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आपको मालूम है कि दिल्ली में आज़ादी के वक़्त दंगे बहुत हुए थे, एंड रेफ्यूजी कैंप वॉज स्टार्टेड द फर्स्ट वन एट किंग्सवे कैंप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े हैं, एंड मैं भी बड़ा तंग आके सोच रहा था क्या टेलीफोन करके पता चला चल गया वहाँ शेर जंग उसके डायरेक्टर थे। आप में से लेफ्टिस्ट लोग तो जानते होंगे शेर जंग का नाम, जबरदस्त इंसान थे, एंड इट वाज सच ए जॉय टू गेट कंपनी ऑफ शेर जंग। उस वक्त इतना कुछ सीख रहा, उसने पता नहीं 17 साल कितने जेल में रहे थे और आम जेल में नहीं बुरी तरह से रहे थे, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं ऐसे लोग। तो He was running that Kingsway camp, काफ़ी बड़ा हो गया था, 2-4 हज़ार लोग थे उस वक्त। और एक दिन सुबह आई स्टार्टेड वर्किंग एट द किंग्सवे कैंप, यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करने का तो कोई इरादा नहीं था। और सुबह के वक़्त वहाँ से नर्सिस आई सामने फ्रॉम अक्रॉस दैट हॉस्पिटल, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, घबराई हुई उनके सफ़ेद हुए बिल्कुल, बहुत घबरा के आई हैं कि जी हमला हो गया, अस्पताल में हमला हो गया, कई लोग मारे गए हैं, अब कुछ करेंगे। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, चलता हूँ तेरे साथ, मैं गया वहाँ। आई वेंट देयर, बाय दैट टाइम द पीपल हु हैड कम टू अटैक डिसअपीयर्ड, बट आई सॉ टेरिबल मर्डर, ए वुमन, एन ओल्ड मैन, ए चाइल्ड, ऐसा ऐसा मार खाट देखी ना जो सहा नहीं जाता। But then you were in the days of disturbance in सारा हालात ही ऐसे थे। उसके बाद मैं चला गया, उसे बात की अथॉरिटीज और को बात की, टू लुक आफ्टर द पीपल हु
been so bruised. तो जाके अपने ऑफिस में बैठा और आधे घंटे बाद एक गाड़ी आई. अलोन तो इधर के खड़ी होगी बाहर. दरवाजा खुला, जवाहरलाल बाहर निकले. There was no security, no police, nobody with them. वो बाहर निकले. निकल के they do this sort of thing. उन्हों ये काम करते हैं इसलिए आजादी की थी. I am going to blow this camp into smithereens. इसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ. He couldn't keep it. और लोग गए चारों तरफ कि भाई लोग बहुत दुखी है, क्या करते हैं, दिख नहीं होता क्या, इसलिए आजादी के लिए क्या था. टिपिकल जवाहरलाल जो गुस्से है, नाराजगी है, निकल के बाहर आ जाएगी. फिर बैठ गए लोग, सब बैठ गए, बात करने लगे. यार ये क्या करते हो तुम लोग? कहते जी हमने नहीं किया. कहता शाह हो सकता है तुमने नहीं किया, पर इस तरह की चीजें तो बहुत हो रही है ना. अगर यहाँ पे मार काट होगी तो सरहद पार क्या कम हो जाएगी? वो कोई नहीं करेगा, वो होती नहीं है. कितनी ज्यादा होती है, कितने लोगों कैसे हो गए, क्या करेंगे. इवेंट ऑन एंड ऑन. लोग क्वाइट हो गए, थोड़े बात की. क्योंकि रात को तो एवरी नाइट अ सो वी यूज्ड टू कुक चपातीज बना के हवाई जहाज से फेंकने के लिए, जो आते थे लोग उनको डालने के लिए. चुप हो गए सब लोग. वो भी बैठा था. देन ए यंग मैन गॉट अप. कौन आएगा? तू आएगा? एक यंग मैन, ये वाजंट सो वेल बिल्ड, जो उठा. मारे कितने आदमी मारे हैं हमने, और कितने मार रहे हैं. ये इसने चिल्लाना शुरू किया. ही कुडंट कंटेन हिमसेल्फ. अब भी मारे जा रहे हैं, और भी मारे जा रहे हैं. ही कुडंट. नेहरू गॉट अप एंड गॉट होटल विद लाइक दिस. पगले पगले पगले, क्यों मारेगा तू, कितने और मारेंगे. आई मीन ही वुड ऑलमोस्ट क्राइड एंड ही वेंट लाइक दिस विद हिम. देन ही सैट विद हिम एंड ही टॉक टू हिम. उसका रोना, उसका गम आप देख सकते थे, सब लोग देख सकते थे कि क्या करें, कैसे संभालें. सॉरी यार. एंड आई थिंक दिस वाज फैंटास्टिक, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस. लॉट ऑफ लीडर्स केम टू विजिट द कैंप. मैनी पीपल केम. But Nehru came, an agonized leader who was truly agonized at the time. I think was noticed by people. उन्होंने देखा उनका दुख वो भी सहन कर रहा है. वो ये सवाल किया कैसे आजादी मिलेगी, क्या करेंगे. Talk so and so. I remember that child getting up. उसका गुस्सा भी बिल्कुल पहचान सकते थे. और जवाहरलाल going completely out on his temper. तो दोनों बैठ के रोने लगे उसको लेके. जवाहरलाल of course used to talk of science and he started a lot of science laboratories around the country. शांति स्वरूप भटनागर, होमी बाबा, विक्रम साराभाई, हुसैन जहीर, कई लोग उसके साथ काफ़ी नज़दीक के थे. बहुत सी लेबॉरेटरी शुरू की, काफ़ी उसके लिए काम किया. और एक चीज़ जो बहुत बात करने लग गए वो था साइड इफेक्ट टेम्पर, जो आज तक लोगों ने समझा नहीं है कि साइड इफेक्ट टेम्पर क्या वाला है. साइंटिफिक टेम्पर वो नहीं है कि आप ज़्यादा साइंस आती है, क्वांटम मैकेनिक्स आता है, या हाउ डज इट एंटर सोसाइटी, हाउ रीजनेबलनेस, किसने ये क्यों किया, उसको क्या तकलीफ है, इस तरह से आर्ग्यू करो. यू थिंक लाइक दिस एंड देन दैट इज रियली साइंटिफिक टेम्पर. एंड
और उसने किया। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए, साइंस सेंटर्ड, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इरिगेशन, डैम वगैरह। तो बहुत मजाक करते हैं कि देखो टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री करके बात करते थे वो, बट द पॉइंट इज ही डिड स्टार्ट भाखड़ा, ही डिड स्टार्ट वेरियस थिंग्स एंड समथिंग गॉट नेग्लेक्टेड। एवरीथिंग कांट बी डन, आई एम नॉट रियली, सारी चीजें ठीक है इसकी बात नहीं कर रहा। अब उनके साथ आया नहीं नेपाली जरा एक खुशकिस्मती हुई कि अखबार में खबर देखी कि जवाहरलाल और दी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु क्या थे, कामराज, के कामराज एंड जवाहरलाल आर कमिंग टू ऊटी वेयर आई वाज वर्किंग। वी हैड ए कॉस्मिक रे लेबोरेटरी इन द राजभवन में, उसके आउट हाउस में जगह होती है, काफ़ी बड़ी लेबोरेटरी बनाई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने, एंड आई वाज वर्किंग देयर विद टू अदर टू यंग पीपल एंड वी वर डूइंग ए आई थिंक डूइंग ए रादर नाइस एक्सपेरिमेंट। तो मैंने जाके होमी बाबा से बात की जो मेरे डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, कि जवाहरलाल जी आ रहे हैं वहाँ, तो वुड यू लाइक टू कम पे विजिट टू द लेबोरेटरी एट द टाइम व्हेन ही एंड कामराज कम। तो कहते देख यशपाल मुझे तेरा काम है, तू ऐसा कर, तू एक नोट भेज देना ऊपर उनको कि तुम क्या कर रहे हो और किस तरह का मजा आ रहा है, और कहना कि आना चाहते हैं तो यू विल बी डिलाइटेड टू वेलकम। एंड आई डिड जस्ट दैट, I didn't send it through the director, or director didn't invite him personally. मैंने यही कहा कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, आप आके देखिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। एंड सो उन्होंने खबर भेजी अगले दिन, वहाँ जब थे ऊपर था उनका घर के आ रहे that he'll come, और वो और कामराज ऊपर से काफ़ी आधा किलोमीटर के करीब चल के हमारे लेबॉरेटरी में पहुँचे। देर वॉज नो अनाउंसमेंट, देर वॉज नो, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, किसी अखबार वाले को नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। और जवाहरलाल जी और कामराज आए वहाँ, खबर मिली आए हैं, तो हमने भी वेलकम दे। He came and I had, we had a big experiment going in the dark room, very large dark room. It's a cloud chamber experiment. Cloud chamber, कितने लोग जानते हैं यार क्या होता है? बता दूँ थोड़ा सा? Yes. कमाल की चीज़ होती है। I even have a picture of my cloud chamber. मैं है मेरे पास यार। तो we were doing a cloud chamber experiment. यार मुश्किल है, दिखेगा नहीं बहुत। दिस इज द क्लाउड चैम्बर पिक्चर, इसमें देखेंगे ये चैम्बर है, ऊपर कुछ है, प्लेट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग थ्रू इट, कॉस्मिक रेज एंड सो ऑन। नाउ मेंशन दिस लेटर। सो तुम बताया नेहरू को हम ये कर रहे हैं, तो हमको बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी मेहनत की पड़ी है। मेरे साथ सिद्धेश्वर लाल और राघवन, दो यंगर पीपल थे, उनसे मिले,
पता नहीं उनको हमने चाय भी पिलाया कि नहीं। तो क्लाउड चैम्बर के सामने दो स्टूल रख दिए उनको देखने के लिए, बताने के लिए। तो बताया ये था कि देखिए एक क्लाउड चैम्बर जो होता है वो इससे इनका इतना बड़ा बक्सा होता है, काफ़ी बड़ा, और उसमें हमने मेटल की प्लेट्स लगा रखी है फॉर स्पेशल मेजरिंग रेंज ऑफ थिंग्स। उसमें क्लाउड का ये होता है, उसमें देर इज मॉइस्ट एयर इनसाइड, सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, समटाइम विद अ लिटिल अल्कोहल, वेरी क्लीन। एंड व्हेन देर इज ए थ्रू काउंटर्स अराउंड द चैम्बर, यू नो दैट चार्ज पार्टिकल्स हैव कम थ्रू, कॉस्मिक रे पार्टिकल्स, और किसी तरह के ज़्यादा आते हैं तो एक ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर क्या होता है, इस क्लाउड चैम्बर का बैक जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो खोल सकता है, सडनली कैन बी एक्सपैंडेड। अगर क्लाउड चैम्बर को एक्सपैंड कराएंगे सडनली प्रो करके शोर करेगा, the air inside will cool, and when it cools then the ions which are formed by passage of electrons and protons and so on those ions moisture will deposit little bubbles, and simultaneously you have xenon flash tubes which fire at the same time prah karke, and all they light up these bubbles, and you take pictures. And then you say events of cloud chamber, events of cosmic rays, interactions which occur are recorded by the cloud chamber, and you study them one after the other. Now this cloud, this event we were involved in studying were cosmic rays, very distant cosmic rays, probably from outside the galaxy. And with this lot of particles coming, and a whole lot of interesting stuff in this regard. तो जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मुश्किल है। तो ये बहुत सारे ट्रैक्स दिख रहे हैं इधर उसके, तो उनको बिठा दिया मैंने, कहा यहाँ से निकलते हैं। अब ऐसा करिए, आप यहाँ स्टूल पर बैठे हैं, ध्यान से आराम से देखते रहिए इस तरफ। जब क्लाउड चैम्बर होगा एक तो बहुत धमाका होगा, घबराना मत। डोंट बी अफ्रेड, इट बी वेरी लाउड एंड लाइट्स विल कम आउट प्रटॉर्स करके, एंड द ट्रैक्स वुड बी रिकॉर्डेड, कैमराज आर ओपन, एंड दीज आर ब्यूटीफुल इवेंट्स। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कितने ब्यूटीफुल है ये, एंड देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं अच्छा देखेंगे देखेंगे देखेंगे, तो मैंने देखा पहली बार है, यहाँ कोई दिखा नहीं। मैंने कहा पहले भी ऐसा ही होता है, फिर करो कोशिश करो, नजर लगाओ थोड़ा, देखना हाँ क्या देखे अच्छा ये अच्छा, फिर समझाओ कि कैसे होते हैं। उनसे कहा कि जब चार्ज पार्टिकल्स गो थ्रू मैटर दे आयनाइज, आयनाइज मतलब आयन बना देते हैं रास्ते में। जो आयन होते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, वो रास्ते में है, और दैट थिंग कैन बी ए गुड कंडेंसेशन मटेरियल फॉर कोल्ड वेपर, और उसी वक्त एक्सपैंड करते हो तो वे inside vapor gets expanded and cold, and it has to deposit somewhere and deposit on those, and simultaneously light comes out, or light with tasveer banti hai, to usi tasveer se kaam karte hain. To bada umda cheez hai banayi gayi, aur bahut sare discoveries cosmic rays wagaira wagaira mein isi tarah hui. To hum ye kar rahe hain, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा उधर समझा रहे हो, थोड़ा रोप डाल रहे थे कि तुम कॉस्मिक रेज की तस्वीरें ले रहे हो, तुम कॉस्मिक रेज की तस्वीरें नहीं ले रहे हो, तुम तस्वीरें ले रहे हो
पानी के बबल्स की उस पानी के जो विच आर कंडेंस्ड ऑन आयंस उसकी तस्वीर ले रहे हो पर ठीक है ठीक है ठीक है बट उनको लगा के समझाएं बता दें कि उनको समझ आ गया है वो एंड दिस वाज अ प्लेजर दैट इट टुक एन इंटरेस्ट और वो दोनों तकरीबन एक दो घंटे बैठे रहे इसमें it was such a delight really to take people to come and take an interest kehte maza aa gaya ji and so and then of course maine kaha ki kya niklega isse kya maine kaha bal ji niklega kya malum nahi samajh aayegi ki brahmand kaise banaya hua hai कई चीज़ें क्या बनाई हुई हैं क्या होती हैं उसकी खोज करेंगे पता करेंगे बहुत कुछ किया जा चुका है और बड़ा आनंद आता है कहता है बहुत ही आनंद है ये तो होना ही चाहिए बहुत होता है बहुत अच्छा है दिस वाज फैंटास्टिक एनकरेजमेंट सो इस तरह से विज्ञान में वन ऑफ द थिंग्स विच वन फाउंड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद हिम दैट He was emphasized self-reliance. बाद में self-reliance को कम कर दिया गया है even the last government. आजकल तो कोई बात ही नहीं करता इसकी self-reliance means खुद करके देखो यार क्या करते हो If you get something, some instruments or somewhere you operate, that is not equal to self-reliance. That is not doing true research. तुम भेड़ जाओ और जिस तरह की चीज़ चाहिए बनाने की कोशिश करो और आखिर में तरह की कुछ बनाओ तो तब आएगा आनंद ये कम होता जा रहा है आजकल भी नहीं है इतना काफ़ी कम है अब तो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी और ये इट्स गॉटन सो इसका सो वर्स कंपेयर टू व्हाट इट वाज कि पीपल थिंक दैट दैट इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द सेम एज क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी And creation of technology is next. I think this was real creation of technology. ये क्लाउड चैम्बर हमने बनाया था मुझे बहुत खुशी होती है और इतना उम्दा था जितना कोई भी किसी ने बनाया दुनिया भर में उससे जो काम किया गया वो भी उम्दा था तो और मेरे को मजा आया ये कि when I was expanding this cloud chamber, जब नेहरू जी देख रहे थे कामराज देख रहे थे जो तस्वीरें दिखाई This I realized afterwards that was the time we were doing our last run of cloud chamber expansions, and that was the time after which Nehru left. And I felt very strongly that जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, it's quite possible that this was or another one like this was this is precisely the picture which he saw. जो उन्होंने देखी और ठीक है और बाद में चेक किया वो कैसे बिकॉज दिस वॉज पब्लिश्ड इन नोवो सिमेंटो एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन इज देयर दिस इज वॉज प्रिसाइजली द टाइम व्हेन ही हैड कम टू विजिट तो यह खुशी होती है कि उसने हाथ में रख के देखा और उसने यही चीज़ देखी और अच्छी लगी कोई ये और कोई नहीं है तो नॉर्मल है पर कि उसको मज़ा आया इसीलिए हमको भी मज़ा आया Let me get to many, many things. Self-reliance was an important element of his policy. वो तो कम होती जा रही है काफी चली है self-reliance. और जब उसने सेल्फ रिलायंस को बहुत एम्फोसाइज किया ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इट हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ साइंस इन नॉन इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत असर पड़ा है और एक चीज जो कहते खुद करो इसका मतलब है कोई टेक्नोलॉजी आई है किसी के पास बम बनाने का तरीका है रॉकेट बनाने का तरीका है खुद करो का मतलब है खुद नहीं किया है तो यू डोंट हैव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस
You don't have any kind of independence because you are dependent on the people who you get it from. And this was, in a sense, one of the most important developments in politics which happened. That is non-aligned movement. Non-aligned movement said कि अगर आप में कुछ ताकत अपनी है तो आप किसी के पीछे नहीं लगोगे उसके भी नहीं अपना फैसला खुद करोगे. That is true independence. And Nehru emphasized this more and more, and he got a lot of leaders all around the world, and a large number of countries, they started the non-aligned movement, and I think this is one of the greatest movements which has happened in history, and which is the responsibility of Jawaharlal Nehru. Usne badi koshish ki non-aligned movement ke liye. And in logon se kaha, main tere saath zaruri kyun chalun? मैं उसके साथ भी चलूंगा चलना चाहूँ या अपने साथ ही आऊँगा तेरे साथ भी आऊँगा तेरा दुश्मन थोड़ी बार ना हो. यू नो डलस और अदर्स तो हिंदुस्तान को बड़ी गालियाँ दी थी कि तुम तो हमारे साथ नहीं हो, यू नॉट अगेंस्ट अस, यू आर फॉर एनीवे. बहुत दी थी. इट वॉज अकिन टू रियल डिक्लेरेशन ऑफ पोलिटिकल इंडिपेंडेंस by many independent countries. Duniya bhar mein logo ki azadi ke liye sabse badi muhim thi non-alignment movement. Aur usse maine aaj kal ki ek serial jo chal raha hai wo leke ek mere ko laga hai ki unka vishwas tha. हमारे देश में भी बंधुआज तो आजकल भी हैं. पीपल आर किसी के नहीं, लोग आर डिपेंडेंट. सो द स्लोगन इज कोई किसी का बंधुआ नहीं होगा. कंट्री आर ह्यूमन बीइंग एज ऑल दैट यू शुड नॉट बी बंधुआ ऑफ एनीबॉडी. यू शुड नॉट मेक एनीबॉडी बंधुआ एंड शुड नॉट बिकम ए बंधुआ. You should stay. तो छाती खोल के चलो, जो भी हो उस तरह चलो. This is something which I think I got from Nehru. And I went around the world. मेरे को किसी से ये नहीं लगा कि हम किसी के नीचे हैं, किसी के अधीन हैं. इसके बाद पहली बार लगे कि हमारी अधीनता नहीं है, हम इतने बड़े नहीं हैं. हम रूस्टर जितने बड़े रॉकेट नहीं बनाते, हमें अमेरिका जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, और ना होगी कभी. होगी वो जो होगी तो ऐसे नहीं होगी. If you keep that, then you really have a way of saying कि हमारी आजादी ठीक है. So यही roughly मैंने कहना है जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उसके साथ जो मुलाकात हुई और जो सीखा और जो समझा उसके बारे में. And I think it was a real privilege to have had some minor meetings with that fantastic man, and I think we should appreciate that. मैं उसको खास मसूरी रूढ़ीवादी किसी किस्म का मैं क्या कहते हैं इंसान था यार. ऐसा था जिसको गुस्सा भी चढ़ता था. इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल बर्ड हु वुड फ्लटर एंड वुड क्राई एंड वुड डू थिंग्स. जो इंसानियत की तरह रोए भी और हंसे भी और काम भी करे. ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसकी इंसानियत जो दिखी. कई लोग कहते हैं कि नहीं ठीक तरीके से हम रहे हैं. शायद ये भी समझते थे कि अगर आप एक खास किस्म की यू मेक ए मानियत बना दें इस तरह की, मेरी ये प्रक्रिया, मेरी ये पॉलिसी रहेगी, ये रहेगी, उससे भी डरते थे.
पर तकरीबन उसी तरह की रहेगी और उस तरफ चलेगी. आई थिंक दैट इज समथिंग वी रियली मेंटेन इन अ फैंटास्टिक वे. सो वक्त क्या आया? मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ. प्रभात, तुम्हारी इजाजत है? मैंने प्रभात से कर ली दूसरे कमरे में बैठ के थोड़ी सी. वो इससे ताल्लुक नहीं रखती, पर एक गहरी चीज है इतने उम्दा इंसानों के सामने बात करने की. पिछले कुछ दिनों में मैंने भी देखा और लोगों ने भी देखा है कि अगर हम किसी हिस्ट्री देखे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ वाइट पीपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बड़े बड़े माहिर और जिन्होंने धर्म शुरू किए और तरीके शुरू किए लोगों के लिए, यू फाइंड जब भी चले, शुरू में बड़ा अच्छा लगा, लोगों की आपस में आस्था बनी, दोस्ती बनी, बड़ा अच्छा भी लगा, पर 20-30-40 साल में टूट गए. टूटे भी ऐसी बुरी तरह से लड़ाइयाँ हुई, मारकाट हुई, कि वो मारकाट काम हो जाती है. सो आई सस्पेक्टेड, और मैं आपके सामने आई एम जस्ट कीपिंग इट एज ए प्रॉब्लम. आई थिंक वी डोंट अंडरस्टैंड सोसाइटीज. I think societies have something in their making which is atrocious, and that is they develop some kind of a some kind of an immunology which you don't understand properly. Ke unko koi bhi zara bhi alag ho to unse lagta hai ki ye to isse to टोपी टेढ़ी की हुई है, ये तो कृपान नहीं रखी हुई, इसने तो बात दूसरी की है, तो अपने उसके लिए कृपा तलवारें निकाल लेते हैं. एंड यू दे मेक देयर ओन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट काइंड. सो फॉलोअर्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फॉलोअर्स. तो आप हिस्ट्री में देखिए, हजारों साल में जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई, लाखों साल भी कर सकते हो, कोई मौका ऐसा नहीं रहा लंबा सा रहे जिसमें लोग एक दूसरे को मार ना रहे हो. अरे मजा ही उसी में आता है. महाभारत चलना ही चाहिए हर एक इलाके के, हर जगह के महाभारत होने से लड़ाइयाँ होनी चाहिए, लोगों के मारकाट होनी चाहिए. ये क्या जरूरी है यार, ये क्यों हो रहा है? और ऑल दीज आर रियली इनहेरिटेड. Inheritance, wisdom, I think becomes horrible. मेरे को मारना मत यार. I think all inheritance, wisdom becomes poisonous. And we have to find a way out of it. And the only way I know is, possibly I know is, lies with our children. I mean, people who can be really, truly, वो खाली अपनी आस्था ना इस्तेमाल करें, लोगों की फीलिंग जो होती है तुम्हारी बनाने के वो ना इस्तेमाल करें, वो समझ भी इस्तेमाल करें, दिमाग भी इस्तेमाल करें. दिमाग की दिमागी, एक मेरा दोस्त है, उसने एक सोसाइटी बना दी है दिमागी, दिमाग इस्तेमाल करें. अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इतनी लड़ाइयाँ कम होंगी. थोड़े साल नहीं, बहुत मुद्दत लगेगी अगर इस तरफ थोड़ा काम शुरू हो. और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है फॉर द यंग. यंग आर नॉट येट कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, दे आर नॉट वेरी स्पॉइल्ड एट ऑल, एंड दे आर अवेलेबल. एंड आई कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ last 20-30 years of my working mostly with young people all over schools, colleges, universities, that there is something very precious which is completely ruined by people our age, by people who are learned. Ho jate hain ki inko
ये सिखाओ और ये सिखाओ और ये सिखाओ, और कितना बिगाड़ते हैं, उस पर सोचने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा। आई हैव ए फीलिंग इफ आई बिकम वेरी रोमांटिक नाउ, ये हमारी जमीन तकरीबन 400 करोड़ साल तक जी लिया है, तकरीबन जमीन ने। अब 400 करोड़ साल काफी होते हैं यार। आई थिंक लाइफ ऑफ सम सॉर्ट प्रोबेबली स्टार्टेड मे बी 300 करोड़ साल पहले, पर काफी करोड़ साल पहले है ना। इंसान तो अभी अभी आए, पर असर पड़ा होगा उस लाइफ का भी। और ये जमीन ने परवाह नहीं की यार, ये क्या है कि कोई हालत है, इसका कोई परवाह नहीं किया। पर मुझे लगा कि शायद पहली बार ये संभव हो सकता है इस जमीन के, कि ये सोचे जमीन, मैं जमीन पे कह रहा हूँ और हम सब जमीन के ऊपर जो है, ये सोचे कि खैर इज इट पॉसिबल टू प्रोपाउंड एन एथिक, इज इट पॉसिबल टू प्रोपाउंड एन एथिक विच सेज दैट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ अस, सब हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब कहीं भी हो। ये पहले कभी नहीं हो सकता था, और जमीन भी ये कहती रही हो नहीं सकता यार, आप कोई अर्जेंटीना में किसी की गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो। अब तुम ये नहीं कह सकते यार, कहीं भी कोई मुश्किल हो रहा हो, कुछ हो, तो हमारा फर्ज है, जमीन का फर्ज है, ऑल ऑफ अस लिविंग दैट वी डू समथिंग फॉर पीपल हु आर सफरिंग ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर। अरे यार धर्म की बात करते हो तो लो ना, अच्छा धर्म लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम क्या कुटुंबकम है कि स्लेव करके रख देते हो लोगों को। अब ऐसा करो कि किसी को जुलम ना हो किसी से भी, और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं होगा, और हम ये काम करेंगे इस तरह। नाउ दिस इज अ न्यू एथिक एंड आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट ए एथिक ऑफ दिस काइंड व्हिच इज वे लुक वेरी डिफरेंट, पर इतना बुरा नहीं है। एंड आई थिंक जवाहरलाल विल नॉट बी अपोज्ड टू दिस। थैंक यू वेरी मच।